उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान शनिवार को आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजम ने कहा कि अग्निपथ के साइड इफेक्ट देश में नजर आ रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ देश जल रहा है, सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है, युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तानाशाही इस सरकार से बेहतर थी। आजम खान ने शनिवार को बरेली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर आजम खान ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं का कितना हित करेगी ये सामने दिख रहा है, प्रदेश जल रहा है, इस सरकार से तानाशाही बेहतर थी। मैं करीब 3 साल तक जेल में रहा, अब बाहर आया हूँ। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, शराब की दुकान लूटने जैसे आरोपों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मेरे ऊपर की गई कार्रवाई सरकार की कार्यप्रणाली को बताने के लिए काफी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। सेना में भर्ती का सपना देख रहे युवा छात्र सरकार की इस योजना के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से सरकार की इस योजना के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चारों ओर इस विरोध की आग तेज होती जा रही है। अब इस मामले पर राजनीति भी गर्माने लगी है। बता दें कि रामपुर में भी आजम ने भाजपा पर निशाना साधा था। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 साल में ही लोग अपने घर पर हुए इमरजेंसी के जुल्म को भूल गए। इतिहास जुल्म को भी याद रखता है, जालिम को भी याद रखेगा और जुल्म को सहने वाले को भी याद रखेगा। जुल्म सहने वाले जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार है। ये गुनाह आपने हमने भी किया है। बता दें कि रामपुर में जोर शोर से चुनाव प्रचार करने के बाद अब आजम खान आजमगढ़ भी पहुंचे हैं। शनिवार को यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात भी की। आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीटें विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। इन सभी पर 23 तारीख को वोटिंग कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों आजमगढ़ और रामपुर में हो रहे चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ बीजेपी सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी अभिनेता और गायक दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को फिर से मैदान में उठा रहा है। वहीं रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अखिलेश ने समाजवादी पार्टी से रामपुर से आसिम राजा और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ये दोनों सीटें अखिलेश और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। बदली सियासी परिस्थितियों में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव रोचक हो गया है। आजमगढ़ में सैफई परिवार और रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।